नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। और इस बुलेटिन की शुरुआत भी बड़ी खबर से करेंगे। आज पूरे देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। एक ऐसा ही जश्न मन रहा था बस्ती में भी, वहां झंडारोहण भी हुआ, लेकिन उसके बाद वहां हवाई फायरिंग की गई, हर्ष फायरिंग की गई। स्कूल के प्रबंधक ने यहाँ हवाई फायरिंग की, मोहम्मद रशीद इंटर कॉलेज की ये घटना है जहाँ पर हवाई फायर का ये मामला सामने आया। रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की गई, कानून तोड़ने की आज़ादी हालांकि इसमें नहीं, आज़ादी है, आज़ादी का जश्न मनाइए आप। आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, लेकिन आपको आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, उन जिम्मेदारियों का आपको एहसास नहीं है। और वो नज़र आता है यहाँ जो कि स्कूल चला रहे हैं पूरा का पूरा, ये स्कूल संचालक हैं और ये इतनी बुनियादी समझ नहीं रखते हैं कि भारत में हर्ष फायरिंग करना गैरकानूनी है और बच्चों के सामने हर्ष फायरिंग की जा रही, दहशत का माहौल वहां पैदा किया जा रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कानून तोड़ने की आज़ादी किसी को नहीं है। हालांकि एबीपी गंगा पर एक खबर दिखी, उसके बाद से अब अधिकारी इस मामले में जांच की बात कर रहे हैं, जल्द ही कार्रवाई की बात करें, क्योंकि ये जो वीडियो सामने आया है, अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि ये सही है, वीडियो सत्यापित किया जा चुका है। और हवाई फायरिंग देखिए, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, टीचर्स हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं और वहाँ ध्वजारोहण हुआ। उसके बाद कायदे से होना तो चाहिए था कि यहाँ राष्ट्रगान होना चाहिए था, राष्ट्रगीत बजना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ तो हर्ष फायरिंग हुआ। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसको सीधे सीधे अपमान के तौर पर देखा जा रहा है और राष्ट्रध्वज का अपमान है और ये आज़ादी का जश्न नहीं, ये गुंडागर्दी है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सतीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सतीश, ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई है और ये तस्वीरें हवाई फायर करते हुए ये टीचर साहब नजर आ रहे हैं जिनको इतनी समझ नहीं है कि हर्ष फायरिंग करना अपराध है। बहरहाल, क्या कोई कार्रवाई हुई अब तक जब इस बात को मान चुकी है पुलिस की, हाँ ये हर्ष फायर का मामला है, ऐसा किया गया है, तो कार्रवाई कब होगी, गिरफ्तारी क्या हुई है? देखिए, अभी भी हमने बात की है जो थाना है, थाना प्रभारी से, उन्होंने बताया कि जो प्रबंधक है उसको पकड़ लिया गया है और उसको थाने में लाया गया है और उसका अब उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लाइसेंस के निरस्तीकरण सहित मुकदमा दर्ज किया जाएगा कि सरेआम फायरिंग क्यों आखिर की गई है। तो अब पुलिस इस पर कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और जो प्रबंधक है जो सरेआम फायरिंग कर रहा था बच्चों के सामने, और अब उस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने भी काफी तेजी से कार्रवाई की है और जैसे ही हमने इस खबर को प्रसारित किया और एबीपी गंगा की खबर का संज्ञान लेकर एसपी ने तुरंत से कार्रवाई की है और प्रबंधक को अब अरेस्ट कर लिया गया है। क्या आपकी उस प्रबंधक से सतीश बातचीत हो पाई? देखिए, प्रबंधक अभी पुलिस के कस्टडी में है तो अभी हमारी उससे बात नहीं हो पाई है, लेकिन जरूर हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर सरेआम फायरिंग की जा रही है, वो भी बच्चों के सामने एक फायरिंग की गई है और बच्चे इसमें दहशत में नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा अपराध है और इस पे जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये गंभीर मसला भी है। सतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एबीपी गंगा में खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो अब असर ये हुआ है कि जो तस्वीरों में आपको साफ दिख रहे हैं हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए बच्चों के सामने हवाई फायर करते हुए, ये साहब अब गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ ये भी जांच की जा रही है कि जिस तमंचे से फायर कर रहे हैं और पूछताछ की जाएगी कि जिस तमंचे से फायर कर रहे हैं वो वैध है या अवैध है, और अभी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। झंडारोहण के बाद बस्ती से तस्वीरें सामने आई थी और वहाँ पर प्रबंधक को, ये प्रबंधक है, स्कूल के प्रबंधक है, मैनेजर, पूरे स्कूल का प्रबंधन संभालते हैं, तो इस दरमियान झंडारोहण की जिम्मेदारी इनको दी गई। बच्चे इन लोगों से सीखते हैं क्योंकि प्रबंधक हैं, इस पद पर पहुँचे हैं, मेहनत की होगी जिंदगी भर तो पहुँचे हैं, लेकिन ये कर क्या रहे हैं बच्चों के सामने, बच्चों को किस तरह का संदेश दे रहे हैं, ये तो समाज का जो हमारा ताना बुना बुना हुआ है, जो एक कानून हम लोगों ने बनाया है उसका देखिए कैसे उसको तोड़ रहे हैं, उसको तार तार कर रहे हैं।
और एबीपी गंगा की खबर का असर भी हो गया है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रबंधक जो तस्वीरों में आपको नजर आएंगे सफेद कमीज में हाथ में तमंचा लिए हुए हवाई फायरिंग करते हुए, ये गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, प्रबंधक को, और ये एबीपी गंगा की खबर का ही असर है, क्योंकि ये तस्वीर सामने आई थी। हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से बातचीत की तो अधिकारियों ने इस वीडियो को देखा, इसकी जांच की गई तो वीडियो सही पाया गया इसकी, और उसके बाद फिर देर नहीं की गई क्योंकि कानूनों का उल्लंघन हुआ है, कानून तोड़ा गया, कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, और एक तरीके से हम कहें कि ये हमारे तिरंगे का भी अपमान है कि ध्वजारोहण हुआ उसके बाद किस तरह से फायरिंग की जा रही है, तिरंगे को फहराया गया कि देश में लोकतंत्र है, उसके बाद संविधान हमारे देश में लागू हुआ, लेकिन ये अपमान है उसका, सीधा सीधा अपमान है। किसी को ऐसे हर्ष फायरिंग करने की इजाजत नहीं है। अगर आपके पास ये अवैध लाइसेंस भी है तो ये आपकी सुरक्षा के लिए, ये जश्न मनाने के लिए नहीं है, आप अपने शौक के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए कि आपके पास तमंचा है या फिर आप इतनी बड़ी हस्ती हैं या शख्सियत हैं, इसलिए आप इस तमंचे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये स्पष्ट है। और जब ये बिल्कुल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहरहाल ये बड़ी खबर हम आपको देते हैं, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है, और सतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, प्रमुखता से आप इस खबर को, आपने जो है इसकी जांच की, इसको प्रमुखता से उठाया गया, आपने अधिकारियों से भी बात की, और आप जाकर असर हुआ, क्या क्या एक्शन इसमें लिए जाने की बात अब अधिकारी करें, क्योंकि गिरफ्तार तो कर लिया गया है। जी देखिए, पुलिस अधिकारी एबीपी गंगा की खबर का तुरंत से संज्ञान लिया और मौके पे पहुंची, और स्कूल के जो प्रबंधक हैं मोहम्मद रशीद, इनका नाम बताया जा रहा है, इनको तुरंत से पकड़ के थाने लाया गया है, और अब ये जांच की जा रही है कि जिस रिवॉल्वर का फायरिंग की जा रही है वो रिवॉल्वर इनकी लाइसेंसी है या गैर कानूनी है, तो अभी इसकी जाँच की जा रही है और उसके बाद इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंसी रिवॉल्वर है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, इसके अलावा जो इस पर विधिक कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई होती है उसको मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रबंधक और जो राइफल से फायर करता हुआ जो शिक्षक नजर आ रहा है, दोनों के खिलाफ इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए वीडियो को देखने के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है, और जो प्रबंधक और शिक्षक है इन दोनों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है, और दोनों के खिलाफ अब पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद इसकी जांच की जाए तुरंत से, कुछ ही घंटों में अब ये साफ हो जाएगा कि जो इसमें रिवॉल्वर है वो लाइसेंसी है या अवैध है, उसके बाद उस पर भी मुकदमा दर्ज होगा, और लाइसेंसी रिवॉल्वर अगर है तो उसका दुरुपयोग करने का यहाँ पर मामला बन रहा है तो वो लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, उसकी कार्रवाई पुलिस करेगी, और उसके अलावा जो राइफल नजर आ रहा है वो किसका है वो उस पर भी पुलिस जांच कर रही है, और अभी जो ये शिक्षक है फिलहाल अभी वो फरार है, वो उसको पुलिस नहीं पकड़ी है, और उसके लिए भी पुलिस दबिश दे रही है, और फिलहाल प्रबंधक अब पुलिस की गिरफ्त में है और वो रुधौली थाने में उसको पुलिस लेकर आ चुकी है। जी जी सतीश, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको ये दे दें, ये जो प्रबंधक आपको तस्वीरों में गोली मारते हुए दिख रहा है हवा में, ये गिरफ्तार हो गया, जबकि एक और शिक्षक भी इसी मसले में वो फरार हो गया है, तो मामला अधिकारियों तक पहुंचा क्योंकि एबीपी गंगा ने प्रमुखता से खबर को उठाया, उसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके इस लाइसेंस की जाँच की जा रही है कि क्या ये सही है या गलत। तो खबर दिखाए जाने के बाद ही ये कार्रवाई हुई है, और आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा, करीब हमने खबर दिखाई, और खबर दिखाए जाने के बाद ही तुरंत सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस कर्मियों ने एक्शन लिया है और हिरासत में लिया गया है इस वक्त आपको जानकारी देते प्रबंधक को, लेकिन एक टीचर अभी फरार है और उसको भी ढूंढा जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है।